आपका अवसर है, एक्चुअली बहुत बहुत बधाई हो आपको एक्चुअली इस अवसर पर। आपका जो 3 दिन का कोर्स था आपको एफएक्स का है, क्या है ये कोर्स एक्चुअली, 3 दिन का वर्कशॉप जो हुआ था उसके बारे में कुछ जानना चाहे? हाय एवरीबॉडी, अभी ये जो हमने डेट लिया है एक्चुअली ये सोचा नहीं था कि ये 8, 9 और ये दशहरा के टाइम पे ये सब हो रहा है, तो दिन भी अच्छा है और उसी तरह से हमारा वर्कशॉप भी बहुत अच्छा हुआ है और ख़ास करके स्पेशली बॉम्बे के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उनको भी मज़ा है, हमको भी बहुत मज़ा आया। और स्पेशली मुझे, मेरा जो एजुकेशन है, मैं हूँ गुजरात से, दीप्ति गोंडलिया, तो मुझे ऐसा है कि मेरा जो नॉलेज है सबके साथ शेयर करूँ, ठीक है, तो मेरा मेन यही है कि और भी मुझे आगे बढ़ना है और सब लोगों को अच्छे से सिखाना है। किस तरह का कोर्स था एक्चुअली यहाँ पर जो लोग आए हैं वो बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, किस तरह का कोर्स है? ऑलरेडी या मेकअप आर्टिस्ट है, उसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली 3 डेज का हमारा वर्कशॉप है। वर्कशॉप में हमने कुछ न्यू टेक्निक्स, जैसे अभी इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिंग और इंटरनेशनल मेकअप जो चल रहा है, तो मैं कुछ वही थीम लेके आई हूँ कि वो स्टाइल को कैसे हमारे इंडियन लुक के अंदर कन्वर्ट करके हम आगे अपने ट्रेंड के हिसाब से हेयर स्टाइल कर सके, तो ये हमारा वो ट्राई रहा है कि इंटरनेशनल को थोड़ा ट्रेडिशनल वे में अच्छे से थोड़ा करके फिर प्रेजेंट करना है हेयर स्टाइलिंग को। तो बस अभी हम इंटरनेशनल का जो कोर्स करवा रहे हैं इसके लिए करवा रहे हैं। आप तो अहमदाबाद से एक्चुअली, तो यहाँ पर बॉम्बे आने का कारण क्या था एक्चुअली, मतलब बिकॉज़ ऑफ द रिक्वेस्ट या वाज डिमांडेड, क्या था? सबसे बड़ा कारण तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड, ठीक है, इन्होंने मुझे बहुत बोला कि अभी गुजरात में तो हम कर रहे हैं पर बॉम्बे जाइए। तो हम बॉम्बे में पिछले महीने है ब्यूटी एक्सपो, जो बड़ा एक्सपो होते हैं, तो उसमें हमने बड़ा सा स्टॉल रखा था, तो वहाँ पे हमको बॉम्बे से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो वही रिस्पांस के बाद बॉम्बे से हमको इतने सारे कॉल्स आए, मैडम हमको आपका क्लास करना है, वर्कशॉप करना है, तो इसीलिए हमारी कोई डेट्स भी नहीं निकल रही थी, पर बहुत हमने जैसे तैसे करके डेट्स निकाल के यहाँ पे वर्कशॉप अरेंज किया और आगे भी करने वाले हैं। हाउ आर यू हैप्पी एक्चुअली यहाँ पर, आपने जो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट आए थे, स्टूडेंट्स थे अहमदाबाद में जो करते हो, व्हाट आर यू वर्किंग एक्चुअली विद देयर, वहाँ पर वर्कशॉप लेना, यहाँ पर वर्कशॉप लेना, कुछ फ़र्क लग रहा है यहाँ की? स्टूडेंट तो देखो मेरे वहाँ के भी स्टूडेंट अच्छे हैं, यहाँ के भी स्टूडेंट अच्छे हैं, बट सबके नॉलेज में थोड़ा बहुत यहाँ का ट्रेंड थोड़ा मुंबई का थोड़ा डिफरेंट है, गुजरात का डिफरेंट है, तो मुझे कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सबको बस मुझे सिखाने में मज़ा आता है, जिनको जो नॉलेज नहीं मिल रहा है तो मुझे बस वो देना है, मेरा यही वो है। एक मेकअप आर्टिस्ट पर एक ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है, इनफैक्ट जो मॉडल है और वो जो भी रहते हैं कि जिनको आप तैयार कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में कि एक फेथ रहता है मेकअप आर्टिस्ट पर, वो कितना ज़रूरी है? एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो लोग कैसे भी करके अपना ये छोटा सा अमाउंट जो भी हम रख रहे हैं, ठीक है, तो पता नहीं है किसके पास है किसी पास नहीं है, कोई अपना पॉकेट मनी जमा कर करके ये सब कर रहा है, तो मेरे लिए तो यही है कि जो भी सीख रहा है उनका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए और आगे इतना कोर्स के बाद वो अच्छे से काम करके अच्छा अर्निंग कर पाए। मेरा बस मेन वही है कि भाई उन लोगों अच्छे से आगे बढ़े, तो ट्रेनिंग जितना अच्छा लेंगे उतना वो लोग भी अच्छे से कमा सकेंगे। बस अमाउंट की बात की, ऐसे कुछ लोग होंगे जैसे आपने कहा पॉकेट मनी हो, किसी कोई मतलब भर नहीं पा रहा वो रकम, ऐसे में कोई सोशल वे में आपको ऐसा लगता है कि कुछ कंसेशन दिया जाए जो रियल जेन्युइन लोग हो? यस, ऐसा कर सकते हैं हम, तो जब भी मुझे ऐसा कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी, और ऐसा नहीं कि भाई मनी मैटर करता है, मेरे को नॉलेज देना है, बट ये सब क्या हमको थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा करना पड़ता है, इसीलिए हम हमारे हिसाब से करते हैं। चले कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन एक्चुअली, पर यहाँ पर सर है, yes. क्या कहोगे एक्चुअली? देखो मैं यहाँ पे जो कुछ भी हूँ, ये मेरे हस्बैंड, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, काम जो मैं सिखा रही हूँ ना बस वही मालूम है, पीछे कहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया है, क्या कर रहे हैं, ये इसका कितना खर्चा क्या है, वो कुछ भी नहीं, वो सब ये मैनेज करते हैं, ठीक है, इवन एक्सपो वगैरह पूरा मैनेजमेंट ये करते हैं, इवन सभी स्टूडेंट बहुत हैप्पी है कि मैम आपका पूरा अरेंजमेंट है ना बहुत अच्छा है, तो इनके पीछे इनका हाथ है, ठीक है, तो ये नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती, तो मेरे पीछे इनका बड़ा बहुत हाथ है। सर आप कुछ कहना चाहोगे दीप्ति जी के, इस वर्कशॉप बहुत मेहनत की उन्होंने, एंड ओवरऑल यू आर द मैन हु इज बिहाइंड दिस एक्चुअली एक्टिविटी है?
क्या कहोगे उसको? दीप्ति को पहले से ही एजुकेशन देने में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि भाई इनको अगर हेल्प करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्पीड्स और लोगों को पहुंचाने में, एजुकेशन पहुंचाने में बहुत ही इजी रहेगा, तो बस वही रीज़न से मैंने इनके साथ में ज़्यादा मैं उनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। जैसे हमने देखा रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा आया था, यहाँ पर स्टूडेंट भी एवरीवन वेरी हैप्पी एक्चुअली। इस तरह के वर्कशॉप आगे भी मुंबई में करते रहोगे? हाँ डेफिनेटली। ओके मैम, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर बॉलीवुड में बात करें तो किसका आप करना चाहें मेकअप अगर आपको करने का मौका मिले तो? मौका मिले तो देखो मेरे हस्बैंड के फेवरेट हीरोइन है दीपिका पादुकोण, तो मैं उनको लेकर चाहूँगी। ओके इस तरह से मतलब क्या आप ऑलरेडी वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो आप अपने मेकअप से कौन सी किस तरह से आप उनको ज़्यादा ब्यूटीफुल करें? देखो हर लेडीज़ कैसी भी हो वो ब्यूटीफुल होती है अपने नेचर से, ठीक है, पर फिर भी ग्लैमर जो लुक है थोड़ा मेकअप डाल दिया तो उसके बाद अच्छी दिखती है, तो जैसा जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मेकअप करके हम अच्छा काम कर सकते हैं। नहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हैं कभी? नहीं सर, बहुत सिंपल है। बॉलीवुड की बात की उन्होंने, हर एक का एम होता है, हर एक मेकअप आर्टिस्ट का एम होता है कि वी डू इट बिग, जैसे उन्होंने पूछा है जिनशा, तो आपका भी इस तरह का आपका एम है, क्या लक्ष्य है एक्चुअली बॉलीवुड तक रीच करना है? नहीं, मुझे इतना तो आगे नहीं जाना है, बस मैं अच्छे से एजुकेशन दे पाऊँ ना यहाँ बॉम्बे, और मुझे बहुत स्प्रेड होना है बस एजुकेशन में ही, बहुत आगे जाने का भी वो नहीं, क्योंकि फैमिली भी है सब है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एजुकेशन ही देना है खास कर। लास्ट क्वेश्चन, प्रो एफएक्स के ब्रांचेस कहाँ पर है अहमदाबाद में? आर यू प्लानिंग समवेयर इन मुंबई और दूसरे अदर सिटीज आल्सो? अभी तो हमारा अहमदाबाद में ही है, सलोन है भी और एकेडमी भी है, तो अभी देखते हैं कैसे, मुंबई में हमारी शुरुआत है, तो अगर सबका सपोर्ट रहा, सब अच्छा रहा, तो हम आगे ऐसा प्लानिंग करेंगे। कोई टिप देना चाहेंगे? हमारे पास एक टाइमर है, ब्लैक टाइमर है, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये दौरा नहीं हो रहा, क्या कुछ कर, कोई टिप देना चाहेंगे जैसे मेरे पास? हाँ अभी वो टिप्स है ना, मेरे स्टूडेंट दे देंगे आपको। वन लास्ट थिंग, ऐसी जैसे कि स्किन, हर एक की स्किन अलग अलग, लेकिन वेरी बेसिक थिंग, जो वेरी बेसिक थिंग होता है नेचुरल दिखने में, तो एनी टिप जो रोज़मर्रा के हिसाब से, लाइक बहुत सारे लोगों को वक्त नहीं होता, तो ऐसा कुछ कहना चाहोगे टू कीप योर स्किन यू नो हेल्दी एंड इन वॉटर वे लाइक इन वेरी सिंपल होम रेमेडीज जैसे? जैसे लेडीज की धूप निकलता है तो उसमें कैसे ख्याल रखें? हाँ, एक दो चार टिप ऐसे ठंडी में हो तो। अच्छा, अगर धूप है सनस्ट्रोक के लिए अगर यूज़ करना है स्किन पे, तो प्रोटेक्टिव लोशन है, SPF है, वो सब यूज़ करके फिर आपका मेकअप करेंगे तो अच्छा रहेगा स्किन। राजेश सुन लिया ध्यान से? हाँ, स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मज़ा आया एक्चुअली में, व्हाट यू हैड कम विद अ थॉट, अगर आप सोच कर आए कि क्या क्या सीखना है वो आप सीखेंगे? एब्सोल्युटली यस, आई हैव लर्नड अ लॉट एक्चुअली। ये निक मोमेंट डिसीजन था मेरा एक्चुअली, फर्स्ट डे थोड़ा क्लास भी मिस हो गया, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई अटेंड दिस क्लास, सो समहाउ आई मैनेज टू बी हियर बाई 12। बहुत सारा नॉलेज मिला मुझे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट शी विल बी गिविंग सो मच इन्फॉर्मेशन, एक्सक्यूज मी, सेल्फलेसली शी हैज़ एक्सप्लेन्ड अ लॉट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टेक्निक्स छुपाना था, ऐसा कुछ नहीं किया, शी हैड फ्रॉम हर हार्ट, शी मेड श्योर दैट एवरी स्टूडेंट लर्न्स एवरीथिंग, लाइक शी क्लियर्ड एवरीबडीज डाउट्स। आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हर लेक्चर एंड आई वुड रियली लव टू अगेन एंड अगेन अटेंड हर लेक्चर्स एवर इन मुंबई। सो सी आई गॉट अ पोस्ट इन फेसबुक, वो भी निक मोमेंट में मुझे दिखा था ये, तो इमीडिएटली मैंने कॉन्टैक्ट किया एंड या थ्रू फेसबुक आई गॉट टू नो अबाउट हर। व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू एंड ये किस तरह का कोर्स था, उसके बारे में कुछ जानना था? मेकअप? हाँ जी, sorry I did not get your question. Okay, I have learned, I have learned a lot of advanced techniques in this regarding makeup or hairstyles. So generally I used to watch all these in videos only, the big bouncy hairstyles and all, and I did not expect that she would be teaching all that. So after I came here, like I was very happy ki inhone itne sare techniques sikhaye,
non-stop, like she did not even stop. Everybody was like, ma'am ye, ma'am wo. She was like randomly, matlab fatafat she was teaching every style which every student wanted to learn. Kisi ko na nahi kaha unhone. Amit, ज़्यादातर गर्ल्स एंड महिला ही एक्चुअली कुछ लोग ही है, क्या कहोगे तीन दिन कैसे गुजरे और क्या क्या सीखा? यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही सीखा. तीन दिन के क्लास में इतना कोई कुछ नहीं सिखाता है जितना मैम ने सिखाया है. और मैम ने यहाँ पर नहीं, एक्सपो में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया हमें, तो उसी लिए आज हम यहाँ पर आए हैं. और कोर्सेज तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कितना रीजनेबल भी था आपको लगता है कि आपने जो अमाउंट भरा था उसकी वैल्यू आपको मिली? हाँ, उससे ज़्यादा ही मिला सीखने को. Absolutely. वरना हम 40,000-50,000 भी भर के जो नहीं सीखते हैं यहाँ 15,000 में तीन दिन में सीखा है, उससे ज़्यादा ही सीखा है हमने. मैम आप क्या कहना चाहोगे, तीन दिन का जो कोर्स था क्या क्या सीखा आपने? आर यू रियली सैटिस्फाइड, हैप्पी? मैं तो एक्चुअल में एक्सपो से ही इनके पीछे पागल हूँ. मैं अहमदाबाद जाके भी सीख के आई और फिर यहाँ पे आई हूँ मैं वापस. तो इनकी हर टेक्निक अलग है और जो टेक्निक हमने सीखी है वो पता नहीं एक्स्ट्रा ही लगी हमें, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं. और कुछ भी छुपाना इनके लिए वो नहीं है कि नहीं, सबको एजुकेशन देना है मुझे. उनके ऐसा नहीं मैं पैसे लेके बस इन लोगों ने सीख लिया तीन दिन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं. अभी जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली सीजन है, तो अभी लगता है कि उन्होंने जो सिखाया उसका फायदा जी, डेफिनेटली 100%. ओके, थैंक यू.